सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय, यू आर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स बहुत दिनों से बोल रहे थे, सबको ही बोल रहे थे, वोट के बाद, वोट का रिजल्ट अनाउंस हो जाने के बाद क्या वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन होगा, हो सकते वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन हो, ऐसे बहुत किसी का मन में था। तो ममता बनर्जी इसके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट किए हैं जो कि डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो में बोलूंगा। उसके साथ साथ ये भी मैं आपको एक हिंट दूंगा कि वेस्ट बंगाल में इवन सेमेस्टर एग्जाम कब तक हो सकता है, रिजल्ट भी आपका कब तक आउट हो सकता है। उसके साथ साथ आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी आखिर कब तक ओपन होगा, एक प्रॉपर आइडिया आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ अभी का टॉप अपडेट क्या है। ये जो जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है थंबनेल में, तो वह आपने ऑलरेडी देखा है। सबसे पहले लॉकडाउन के बारे में देखिए, एक जो आपको पता है कि कल का विन में कौन जीता है कौन हारा है उसके ऊपर है, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ पे ममता बनर्जी को पूछा गया था कि लॉकडाउन के बारे में या फिर कोरोना के बारे में क्या बोला जा रहा है। वहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है अभी उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, तृणमूल कांग्रेस का फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कोविड के बारे में सोचना चाहिए, कोविड के बारे में सोचा जाएगा। तो अगर कोविड के बारे में सोचा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लॉकडाउन के बारे में, वो भी पूछा गया था। वहाँ पे बोला गया है कि लॉकडाउन हो गया नहीं, अभी कन्फर्मली हम लोग नहीं बोल सकते, इसके ऊपर बातचीत चल रहा है। अभी 99 से जो अनाउंसमेंट किया गया है उसको ही फॉलो किया जाएगा। तो अभी तक लॉकडाउन के बारे में आप लोगों का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है और चांस भी है ऐसा ही भी कुछ नहीं बोला गया है। बोला गया है जो जो कोविड नॉर्म्स बोला गया है, जो जो 99 से जो नोटिस निकला है, मैंने ऑलरेडी आपके उसके ऊपर वीडियो बनाया, आपको बोला है, तो वो ही फॉलो किया जाएगा अभी कि आपका इस टाइम से इस टाइम दुकान ओपन रहेगा, बाकी टाइम बंद रहेगा, घर से बाहर ज़्यादा मत निकलिए, ये जो कोविड प्रोटोकॉल से यही अभी फॉलो किया जाएगा। लॉकडाउन के बारे में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। अब अगर आप लोग क्वेश्चन करें कि कब तक आप लोगों का कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन हो सकता है, स्कूल कब तक ओपन हो सकता है, तो अभी जुलाई तक तो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि ओपन होगा। जो सिचुएशन है जून तक तो ये सिचुएशन ऐसे ही चलेगा। जुलाई भी आई होप कि आपका एग्जामिनेशन जो है इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई में, क्योंकि आपका ऑनलाइन में क्लास हुआ है तो जुलाई में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा एंड अगस्त तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा एंड उसके बाद ही आपका प्रॉपर कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड स्कूल ओपन किया जाएगा। मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगस्त से ही आपका प्रॉपरली कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल ओपन हो सकते हैं, उससे पहले चांस बहुत ही कम है मुझे जो पर्सनली लगता है। और लॉकडाउन के बारे में ममता बनर्जी ने तो ये बोला ही है कि इसके बारे में सोचा जाएगा, अभी के लिए जो कोविड नॉर्म्स है वही फॉलो किया जाएगा, जो 99 से नोटिस निकला है उसको ही फॉलो किया जाएगा। अभी लॉकडाउन हो गया नहीं इसके ऊपर कुछ नहीं बोला गया, पर कोविड के ऊपर डेफिनेटली अभी फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये क्लियरली बोला गया है ममता बनर्जी की तरफ से। अभी क्या होता है मैं डेफिनेटली आपको अपडेट दूंगा। अभी आप लोग सेफ रहिए, घर पर रहिए और कोविड जो प्रोटोकॉल से ये फॉलो कीजिए, डेली सैनिटाइज कीजिए अपना हाथ, 2-3 घंटे मतलब छोड़ छोड़ के आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं अगर आप घर पे हैं, एंड डेफिनेटली मुंह आंख पे हाथ मत लेके जाइए। और अगर आप घर पे रह रहे हैं, घर के जो ओल्ड्स हैं मतलब जो मतलब आपसे बड़े हैं उनका थोड़ा ख्याल रखिए एंड डेफिनेटली वैक्सीनेट करवा लीजिएगा जब भी पॉसिबल हो। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय-बाय।